गाजीपुर में एक बार में कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। आज मिले मरीजों की संख्या ने सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को कोरोना वायरस से 42 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। एक बार में इतनी संख्या में मरीजों के मिलने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आइए आपको इन सभी मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। आज मिले संक्रमितों में से 6 मरीज गाजीपुर के नवापुरा के रहने वाले हैं, एक मरीज परसपुरा गाजीपुर के, तो एक अलीपुर जखनिया गाजीपुर के रहने वाले हैं। 3 मरीज छोटा महादेवा में भी पाए गए हैं, तो 4 मरीज मिश्र बाजार में भी पाए गए हैं। इसके अलावा CHC जखनिया के 2 स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 2 मरीज उतराव 12 चवर, 1 मरीज पर्दा 12 चवर, 2 मरीज वार्ड नंबर 21 मोहम्मदाबाद, 1-1 मरीज बालापुर और करीमुद्दीनपुर मोहम्मदाबाद में भी पाए गए हैं। वहीं 3 मरीज शहर के छावनी लाइन स्थित कोरोना अस्थाई जेल में भी पाए गए हैं, 1 मरीज जंगीपुर सदर गाजीपुर में, तो 1 मरीज बैयपुर करंडा गाजीपुर में भी पाए गए हैं, 1 मरीज सिकंदरपुर कॉलोनी सदर गाजीपुर में, तो 1 मरीज गहमर 12 चवर गाजीपुर में पाए गए हैं, 1 मरीज गाजीपुर सदन के यूनियन बैंक में भी पाए गए हैं, 1 मरीज धर्मरपुर करंडा, 1 मरीज पारा मोहम्मदाबाद, 1 मरीज साठीपुर गाजीपुर, 1 मरीज लखनचंदपुर करंडा गाजीपुर के भी पाए गए हैं। इसके अलावा 1 मरीज जीवपुर गाजीपुर, 1 मरीज गोशंदेपुर गाजीपुर, 1 मरीज बड़सरा गाजीपुर, 1 मरीज औडिहार और 1 मरीज रेवतीपुर के भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। गाजीपुर में एक साथ इतने सारे मरीजों के पाए जाने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि गाजीपुर में अब तक कुल कितने मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मालूम हो कि आज की संख्या मिला दी जाए तो गाजीपुर में कुल 493 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से 369 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं गाजीपुर में कोरोना वायरस के कारण 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद अब गाजीपुर में कुल 118 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। गाजीपुर में जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक विषय है। ऐसे में हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, अधिक से अधिक अपने घरों में ही रहें, बेहद जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।